नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको बताया, हमारी पिछली सेट चल रही थी मैथ की, जिसमें हम चाल समय दूरी वाले चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। और इससे पहले वाली वीडियो में हम औसत चाल वाले सवालों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको इस टॉपिक का कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्यालय या किसी स्थान पर देर या जल्दी पहुंचे। मान के चलिए मुझे आगरा के लिए जाना है या बस स्टेशन तक जाना है। यदि हम मैं एक्स चाल से चलूँ तो मुझे टी समय में वहाँ पर, यानी टी समय पहले पहुँच जाता हूँ। यदि मैं वाई चाल से चलूँ तो टी समय देरी से पहुँचता हूँ। तो उसकी दूरी कितनी है, इस तरीके से सवाल बनेंगे। तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो बस स्टेशन, यानी कि जो बस है, तो बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। तो बस पकड़ने के लिए क्या होता है, मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मैं 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, यानी बस छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। यानी सवाल ये कह रहा है, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूँ तो मेरी बस जो है वो 10 मिनट पहले ही छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस अड्डे तक जाता हूँ तो जो बस है, बस के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो इस स्थिति में पूछा गया है, तो उस व्यक्ति के स्टेशन या बस स्टैंड तक जाने की दूरी कितनी है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जैसे हमने टाइम एंड वर्क वाले में सवाल किए थे, वो मेथड यूज करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। मान के चलो पहले वो जा किससे रहा है, जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। वो 4 किलोमीटर से चलता है तो लेट कितना हो रहा है, तो लेट हो रहा है आपका वो कितना, 10 मिनट लेट होता है। कितना लेट होता है, 10 मिनट लेट होता है। यदि ये व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाए बस स्टैंड, तो ये जल्दी पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। कितना जल्दी पहुंच रहा है, 5 मिनट, 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छा मेथड है यूज करेंगे टाइम एंड वर्क में, जो हमने यूज किया था। पहली चाल है वो उसको याद करो, 4 से जा रहा है, दूसरी चाल में किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है। इन दोनों का एलसीएम हमारा किसके लिए होगा, वो होगा हमारा दूरी के लिए। लेकिन यहां जो दूरी बनेगी वो एक्चुअल नहीं होगी, एक्चुअल दूरी तो हम वहां से निकालेंगे। 4 से जाता है और 5 से, 4 और 5, 2 चाल से जा रहा है, 4 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 × 5 = 20, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यदि ये 4 से जाता है, आपको ये याद रखना है, अगर ये 2 चाल दी गई है, यानी कि ये व्यक्ति जो है 4 से जा रहा है और 5 से जा रहा है, यानी कि ये क्या है, इसकी चाल है, ये क्या है, इसकी चाल है। या हम हमारा रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं। दो तरीके से इस सवाल को मैं बताऊं, पहले इस तरीके को देखते हैं। 4 से जाता है, 5 से जाता है, एलसीएम कितना हो गया, 5। 4 से जाएगा तो 4 × 5 = 20, 5 घंटे लगेंगे। 5 किलोमीटर से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे। एक्चुअल हमें टाइम कितना लग रहा है, इसको अंतर कितने समय का आ रहा है, अंतर आ रहा है 1 घंटे का। कितने का आ रहा है, 1 घंटे का। अगर यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे कितने मिनट का, 15 मिनट का अंतर आ रहा है। कितने मिनट का आ रहा है, 15 मिनट का। यानी कि अगर वो 4 से जाता है तो 10 मिनट लेट तो हो ही रहा है। यदि वो 5 किलोमीटर से जाता है तो 10 मिनट ये अपने कवर कर लेता, प्लस 5 मिनट और एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल ओवरऑल अंतर कितना आ रहा है, 15 मिनट का। 1 घंटे की वैल्यू कितनी है आपकी, 15 मिनट। कितनी मिनट, 15 मिनट।
तो 15 मिनट को हम क्या करेंगे, 15 मिनट को हमें करना है घंटे में कन्वर्ट। किसमें करना है? घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 15 में 60 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 60 का भाग दे देंगे। हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। दूरी निकालनी है तो ये हमारी क्या थी? टोटल चाल मानी थी। तो दूरी बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये चाल है, ये समय है। 20 का मल्टीप्लाई करोगे, 20 से इसको काट दो कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से इसको काट दो कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 किलोमीटर की दूरी उसकी है, कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर। यानी 5 किलोमीटर दूरी उसको चलनी है। 5 किलोमीटर दूरी पर बस स्टैंड है, वहां पर वो पहुंचने में कितना समय लेता है? अगर 4 से जाए तो 10 मिनट लेट हो रहा है, 5 किलोमीटर से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से काम निकाल सकते हैं सवाल को। 4 से जा रहा है तो समय हमेशा चाल का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अपोजिट होता है। ये बंदा 4 से जा रहा है और पहली चाल में, दूसरी चाल में 5 से जा रहा है, तो ये जब 4 से जाएगा तो इसको 5 समय लगेगा, और ये 5 से जाएगा तब इसको 4 समय लगेगा। अंतर क्या होता है? यानी कि चाल जो होता है, चाल जो होती है वो समय की उल्टी होती है, समय चाल का उल्टा होता है। इन दोनों का ओवरऑल देखें तो अंतर कितने का आया? 1 घंटे। कितने घंटे का आया? 1 घंटे का। 1 घंटे का। अब 1 घंटे की वैल्यू कितनी दी गई? 1 घंटे की वैल्यू है हमारी 15 मिनट। कितनी है? 15 मिनट। 15 मिनट है, 1 घंटे की वैल्यू 15 मिनट है। तो 15 को हम क्या करेंगे? 1/2, यानी कि 15 को हम 60 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? 60 में कन्वर्ट करेंगे। और अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर ही हमारा कितना आएगा? एलसीएम लेने पर इन दोनों का जो एलसीएम है या मल्टीपल जो है वो कितना आएगा? 20 आएगा। तो चाल बराबर दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। समय ये रहा हमारा, चाल ये रही, समय ये रहा। यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई करोगे, 20 से 3 बार, 3 से 5, 3 से क्या हो जाएगा? 5। 5 किलोमीटर की दूरी है, बस स्टेशन की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की दूरी है। अब आप चाहें ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो वाला आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगले सवाल में पूछा गया है, 3 किमी प्रति घंटे की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचता है। यानी कि पिंटू जो है, एक लड़का है, वो कहाँ जा रहा है? अपने घर से विद्यालय जा रहा है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितना जल्दी पहुंच जाता है? 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? ये पिंटू है भाई, पिंटू कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। पहली चाल उसकी कितनी है? 3 किलोमीटर। दूसरी चाल कितनी है? 4 किलोमीटर। टाइम कितना दिया है? टाइम हमारा दिया है, जो समय लग रहा है पिंटू को, पहली कंडीशन में क्या है? 5 मिनट लेट पहुंचता है। अगली कंडीशन में क्या होता है? 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना होगा? 12। 3 से 4 और 3 से 4 से 3। ओवरऑल अंतर कितना हो गया? 1 घंटे का। कितने का हो गया? 1 घंटे का। 1 घंटे बराबर टोटल मिनट में अंतर कितना आ रहा है? यानी कि टोटल अंतर कितना आ रहा है? कुल अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे? तो 10 मिनट। कितना आ रहा है? 10 मिनट। 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? 10 मिनट है। क्या है? 10 मिनट है। 1 घंटे की वैल्यू 10 मिनट है। तो हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो दूरी पहले इसको टाइम घंटे, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 10/2 क्या हो जाएगा? 60। 0 से 0 काट लो, 1/6 घंटा। 1 घंटे की वैल्यू 1/6 घंटा आ गई। तो हमें क्या चाहिए? दूरी चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल। चाल क्या है? 12।
गुणा समय, समय क्या है 1/6 घंटा, 2 आंसर क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर। यानी कि पिंटू के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर की दूरी है। यदि पिंटू 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो पिंटू 5 मिनट लेट हो जाता है, यदि पिंटू 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो पिंटू 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ओवरऑल पिंटू बचा कितनी रहा है 10 मिनट का अंतर कर रहा है, कितने का कर रहा है 10 मिनट का। नहीं पहले अगर इससे जाता है तो 5 मिनट लेट, अगर इससे जा रहा है बाद में तो 5 तो ये कवर कर लिया, 5 इसने और बढ़ा लिए, तो एक्चुअल में उसको अंतर कितना हो गया 10 मिनट का अंतर हो गया। तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 1 घंटे की वैल्यू निकल के आई 10 मिनट, 10 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया 1/60। और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, ये चाल है हमारी, ये चाल चाल का एलसीएम है, चाल गुणा समय कितना 1/6, यानी 2 किलोमीटर पिंटू के घर से विद्यालय है। आइए इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है, अगले सवाल हमको पूछा गया है कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी कि कोई गाड़ी है वो अपने गंतव्य पर 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चले तो 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी दोनों स्थिति में गाड़ी अभी भी लेट हो रही है। थोड़ा सा सवाल अटके है, यानी कोई गाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो उस पूरी यात्रा के लिए उस गाड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए, तो उस पूरी यात्रा के लिए गाड़ी का क्या है सही समय ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 40 किलोमीटर है, पहले क्या चाल है उसकी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से जा रहा है तब भी क्या हो रहा है 11 मिनट लेट, 11 मिनट क्या हो रहा है गाड़ी लेट हो रही है। यदि वह 50 से जाए तो आपका 5 मिनट लेट, यानी कि उसने अपनी चाल 10 बढ़ाई तो टाइम कितना कंज्यूम कर लिया 5 मिनट लेट। ओवरऑल यहां सवाल को थोड़ा सा समझना, दोनों कंडीशन में क्या हो रही है लेट हो रही है। जब लेट और जल्दी पहुंचती है तो हम चाल को क्या कर देते हैं समय को ऐड कर देते हैं, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है वो लेट ही हो रही है। तो एक्चुअल में टाइम उसने कितना बचाया, इस टाइम का अंतर कितना आ रहा 6 मिनट बचा लिए, उसने कितने मिनट बचाए 6 मिनट बचा लिए। यहां पे बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, जिन दोनों बार लेट हो रही है तो हम उसने सेव टाइम कितना किया 6 मिनट बचा लिए उस बंदे ने, पहले 11 मिनट लेट हो रहा था और वो बचे कितने पर 10 मिनट, जो 6 मिनट है वो 10 किलोमीटर बढ़ने पर बचे। तो सही समय पूछा गया उसने, तो सही समय निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लीजिए, 4×5=20 यानी कि 200 एलसीएम हो जाएगा इसका। एलसीएम आप निकालोगे तो 200 आएगा, ठीक है आप निकाल के भी दे सकते हो। 4 से जाएगा तो 4×5=20 5 घंटे लेगा, 50 से जाएगा तो ये 4 घंटे लेगा, कितने घंटे लेगा 4 घंटे। टाइम किसमें लगेगा ये घंटे में टाइम लगेगा, किसमें लगेगा घंटे। ओवरऑल अंतर कितने का आ गया 1 घंटे का, कितने घंटे का 1 घंटे। 1 घंटे की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी दी गई है 6 मिनट दी गई है, कितनी दी गई है 6 मिनट। यहाँ पे तो 1 घंटा लग रहा है, एक्चुअल में उसे कितने मिनट लग रहे हैं 6 मिनट। 6 मिनट को हम अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप 60 का भाग, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दिया जाता है और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6×6 6×60 1/10 घंटे। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, अब यहां से निकालेंगे हम दूरी निकालनी है, यहां से हमें क्या निकालनी है दूरी। तो दूरी हमारे पास आ जाएगी तो हम टाइम अपने आप आराम से निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय,
दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितनी दी गई है, चाल है हमारी कितनी 200, कितनी है 200, तो समय लग रहा है 10, 0 से 0 काट दो, ये दूरी आ गई कितनी 20 किलोमीटर की दूरी। पूछा क्या उसने, समय पूछा क्या है, समय। समय बराबर भैया फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर आपको हमने फॉर्मूला बताया तो दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे क्या होता है चाल। अब दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास निकल के आ गई 20 किलोमीटर, और चाल कितनी है, तो चाल हम रखेंगे कितनी 40 किलोमीटर, स्टार्टिंग तो यहीं से की उसने 40 किलोमीटर, यानी कि 20 से कर 20, 20 दूनी 40, 1/2, 1/2 को अब ये क्या है मिनट में आ रहा है, किसमें आ रहा है मिनट में, 1/2 जो किसमें है घंटे में, क्या है ये 1/2 घंटा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 30 मिनट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, 30 मिनट कह सकते हैं, क्योंकि 60 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से भाग लगेगा, 1/2 घंटा यानी कि आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। अब पूछा क्या उसने, 30 मिनट यानी कि वो 40 मिनट यानी कि 40 किलोमीटर की चाल से अगर 20 किलोमीटर की दूरी पर जाता है तो उसको आधा घंटा लगता है, लेकिन उसने पूछा है जब ये बंदा 40 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 11 मिनट लेट पहुंच जाता है, तो सही समय क्या होगा, सही समय होगा आपका कितना 30 माइनस के 11 यानी कि 19 मिनट, क्योंकि ये भाई साहब कितना 11 मिनट लेट हो रहे हैं, जबकि इन्हें लग रहा कितना है वहां तक लगना चाहिए उन्हें कितना टाइम 19 मिनट का, लग कितना रहा है 30 मिनट का। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों होमवर्क के लिए आपके लिए कुछ सवाल दिए गए हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, और इनकी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।